हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो पर डिज़ाइन पीरियड फॉर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ओके, और किस कंपोनेंट के लिए कितनी डिज़ाइन पीरियड ईयर्स होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डिज़ाइन पीरियड क्या होता है। ओके, जो कि हम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए फिक्स करते हैं। ओके, और ये डिज़ाइन पीरियड जो हम फिक्स करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। अगर हम कोई भी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये तो आप जानते हैं, और उसकी जो कॉस्ट होती है स्ट्रक्चर की, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूज होती है। जैसे कुछ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट होते हैं, ओके, जैसे डैम्स हो गया, रिजर्वायर हो गया, पंपिंग यूनिट्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हो गए, तो ये जो है बहुत ही, मतलब इनकी जो डिज़ाइन है बहुत ही ध्यान से की जाती है, क्योंकि हम इनकी जो कैपेसिटी रहती है इनको बढ़ा या घटा नहीं सकते। ओके, सो हम इसको पहले से ही डिज़ाइन कर देते हैं कुछ अगले 20 से 25 साल या 15 साल के लिए, ताकि आगे चल के ये काम करते रहें अच्छे से। ओके, मतलब इनकी जो कैपेसिटी है वो कम ना हो जाए। ओके, ऐसा कि जैसे अभी पॉपुलेशन है और आगे 15 साल तक की पॉपुलेशन के लिए हमको डिज़ाइन करना होता है, ताकि आने वाली जो पॉपुलेशन है वो भी इजीली ये जो डिज़ाइन, मतलब कंपोनेंट है, उसको भी इजीली वाटर प्रोवाइड कर सके। ओके, सो ये वेरियस कंपोनेंट आर डिज़ाइन सच दैट फ्यूचर नीड्स, हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं जिससे आने वाली कम्युनिटी सेटिस्फाई रहे। ओके, और ये फ्यूचर नीड्स नीड्स ही जो हम फ्यूचर के लिए डिज़ाइन करते हैं, इसी को डिज़ाइन पीरियड कहते हैं, कि कितने साल के लिए हम कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं। और ये जो डिज़ाइन पीरियड होती है, ये बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि कम हम मान लो 5 साल के रखती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर 50 साल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं किस कंपोनेंट की डिज़ाइन पीरियड कितनी होती है। तो पहला है वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स, इसकी डिज़ाइन पीरियड होती है 15 ईयर्स होती है। दूसरा है पाइप कनेक्शंस, पाइप कनेक्शंस इसकी डिज़ाइन पीरियड 30 ईयर्स होती है। थर्ड है सर्विस, सर्विस रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर इनकी डिज़ाइन पीरियड 15 ईयर्स की होती है। ओके, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी कितने 30 ईयर के लिए डिज़ाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो आप जानते ही होंगे कि जब हमारा वाटर ट्रीटमेंट हो जाता है, ओके, पीने के लिए यूज़ करने के लिए हो जाता है तैयार, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक को। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम पूरा लगाते हैं, जैसे कोई सिटी है उसमें, तो ये जो इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं हम 30 ईयर्स के लिए करते हैं। ओके, इन्फिल्ट्रेशन वर्क, इन्फिल्ट्रेशन वर्क्स, इसको भी 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन पीरियड इसका 30 ईयर्स है। और इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पंप्स, इसकी हम 15 ईयर्स रहती है डिज़ाइन पीरियड गवर्नमेंट द्वारा जो फिक्स की गई है। ओके, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट
डिज़ाइन पीरियड है कुछ कंपोनेंट की, तो आपको याद रखनी है। ओके, ये वाटर सप्लाई में पढ़ाया जाता है, और इसके आगे हम वाटर सप्लाई से रिलेटेड और चीज़ें पढ़ते जाएंगे, जैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हो गई, वाटर डिमांड। ओके, सो आपको याद रखना है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। सो आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए। ओके, लाइक करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे।